के सर चालू करिए। नमस्कार काश्तकार भाइयों, आप सबका किसान और कृषि विज्ञान केंद्र हिंगोली के द्वारा आयोजित इस वेबिनार में सबका स्वागत करता हूं। आज के वेबिनार का विषय है हल्दी फसल संरक्षण के लिए एकात्मिक कीटाणु एवं फफूंद रोगों का व्यवस्थापन। इस वेबिनार में शामिल होने जा रहे हैं भारतीय मसाला फसल अनुसंधान केंद्र कोझिकोड केरला के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर बीजू, वो प्लांट पैथोलॉजिस्ट है, और उनके साथी है डॉक्टर सिंथिल डॉक्टर सिंथिल कुमार सर सीनियर साइंटिस्ट है एंटोमोलॉजी के। दोनों मिलके हिंगोली जिले के काश्तकारों के लिए और महाराष्ट्र तथा वहां के काश्तकारों को मार्गदर्शन करने के लिए आए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद केरला से वो देश के मेन लाइन जो काश्तकार भाई इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उनको मार्गदर्शन करने के लिए हाजिर हुए हैं। सर, हिंगोली जिले में करीब 50,000 हेक्टर क्षेत्र में हल्दी की फसल ली जाती है और पूरे देश में अब इसको वन क्रॉप वन डिस्ट्रिक्ट के लिए शामिल किए जाने की संभावना है। कुछ दिनों पहले कृषि भवन से फोन करके उन्होंने पूछा था कि आपके जिले में किस टाइप की फसल है, और हमने जब बताया कि हल्दी में सेलम और प्रगति वेराइटीज काश्तकार लेते हैं तो उन्होंने काफी खुशी जताई और इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन क्रॉप में शामिल करने के लिए हमें उन्होंने आश्वस्त किया है। तो मैं समझता हूँ कि काश्तकार यहाँ के जो है उनको जो प्रॉब्लम्स है उसमें राइजोम फ्लाई
स्टेम बोरर, लीफ रोलर, नेमेटोड्स और स्केल्स का प्रॉब्लम है जो कीटक है, और जो रोग है उसमें लीफ स्पॉट, राइजोम रॉट, इस टाइप के रोग आते हैं। और काफी काश्तकार हमेशा इसी बातों को दोहराते रहते हैं कि इसके लिए क्या किया जाए, तो हम भी उसी टाइप का मार्गदर्शन करते हैं। और आज खासकर हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देश में अवेलेबल है आपके थ्रू, उस टेक्नोलॉजी को आपके जरिए हमारे फार्मर्स तक पहुंचाना चाहते हैं। आपका फिर एक बार मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और डॉक्टर बीजू सर को इन्वाइट करता हूँ शुरू में कि हमारे काश्तकारों को मार्गदर्शन करें। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके भी बोल सकते हैं या हिंदी में बोल सकते हैं, हमारे एरिया में हिंदी काफी समझी जाती है और पूरे मराठवाड़ा के काश्तकार हिंदी अच्छी तरह से समझते हैं और महाराष्ट्र में तो समझते ही समझते हैं। तो आपको मैं विनंती करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम को मार्गदर्शन शुरुआत करिए। धन्यवाद। क्या मैं शुरू कर सकता हूँ? जी हाँ सर। ओके, नमस्कार कुलकर्णी साहब और शिल्के साहब और मैडम प्राची। तो मैं ट्राई करता हूँ, आपने जैसा कहा तो मैं ट्राई करता हूँ कि हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके तो बात करने के लिए। तो मैं आज वो क्लास ले रहा हूँ कि इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट इन टर्मरिक। टर्मरिक में क्या क्या डिजीज जो होता है उसका क्या क्या तरीका से हम मैनेज कर सकते हैं, तो बहुत तरीके होता है। तो शिल्के साहब ने बताया राइजोम रॉट, लीफ स्पॉट वगैरह तो काफ़ी नुकसान पहुंचता है किसानों को। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या रोग, तो इम्पोर्टेंट रोग जो उसमें क्या है, उसका थोड़ा सा वो पैथोजन क्या हो सकता है, उसका उसको कैसे वेदर से कैसे कंट्रोल मैनेज कैसे होता है रिलेशनशिप, और उसके उसके बाद तो क्या क्या तरीका है मैनेज डिजीज मैनेज करने के लिए। तो शायद आपको जानकारी होगा कि टर्मरिक सिर्फ नॉर्थ और वेस्ट साइड पे नहीं, तो ऑलमोस्ट सब जगह पे फैल चुका है। तो फिर भी हम देखते हैं कि अब रिसेंट प्रोडक्शन वगैरह देखते हैं तो 2,00,000 हेक्टेयर्स के ऊपर प्रोडक्शन एरिया जो कल्टीवेशन के अंडर है, तो उसका प्रोडक्शन जो है 8 टन ऐसे कुछ है। तो उसका मेजर शेयर जो होता है आसाम, ओडिशा, आंध्रा, तेलंगाना, गुजरात, मिजोरम, तमिलनाडु, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, और उसके अलावा भी बहुत आपने जैसे कहा थी बस खुशी की बात है कि 50,000 हेक्टर्स भी वहाँ कल्टीवेशन हो रहे हैं टर्मरिक, तो ये खुशी की बात है। और खुशी की और बात है कि हमारा वैराइटीज जो है, आपने शिल्के साहब ने कहा कि हमारा प्रगति वहाँ अच्छा तरीके से फसल दे रहे हैं। तो इसके साथ मैं शुरू करता हूँ। तो अब आपने जैसा कहा कि हमारा टेक्नोलॉजी जितना भी आगे बढ़ता है फिर भी हमारा यील्ड जो होता है उसका उसका जो आफ्टर इफेक्ट, उसका तो जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जो है, तो आपका जीनोटाइप, पहले तो आप कौन सा जीनोटाइप या वैरायटी प्लांटिंग करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो वैरायटी के लिए आप कैसे मैनेज करते हैं, मतलब उसका तो उसका फर्टिलाइजर, उसका इरिगेशन, उसका जो रॉक कीट जो होता है उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके अलावा मौसम के साथ बहुत जुड़ा है, तो मौसम इसके ऊपर तो कैसे कंट्रोल करते हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, जो होता है एनवायरनमेंट कैन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द क्वालिटी एस्पेक्ट्स ऑफ द क्रॉप एंड मच मोर दैन मेजर एस्पेक्ट जस्ट लाइक डिजीजेस एंड पेस्ट। सो हाउ इट इंटरफियर विद द बायोलॉजी ऑफ जो पेस्ट जो होता है, डिजीज जो होता है, उसका बायोलॉजी पे कैसे असर कर सकते हैं, तो ये जो तीन कुल मिला के अपना इन जनरल यील्ड के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो हम प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स जो देखते हैं, तो जहां आपने जैसा कहा तो राइजोम रॉट जो होता है उसमें पिथियम का डिफरेंट स्पीसीज जो होता है, फिर भी उसमें मेजर जो है तो पिथियम एफेनरमाटम जो है। सो दूसरा लीफ ब्लॉच तो कॉस्मोपोलिटन है, जहां टर्मरिक कल्टिवेट करते हैं वहां होता है। और तीसरी लीफ स्पॉट कोल्टोट्राइकम कैसिसी, इसके अअलावा एक जो है तो लीफ ब्लाइट एक जो रोग है उतना कॉस्मोपोलिटन और कॉमन नहीं है, इट इज कॉज्ड बाय राइसोक्टोनिया। और इसके अलावा निमेटोड के बारे में भी मैं बात करूंगा।
तो हम पहले जाते हैं राइस ऑफ गॉड की तरह, तो हम हमारे हमको पता है कि दिस मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ऑफ ऑल द डिजीजेस है, ज्यादा डिस्ट्रक्टिव डिजीज और कुछ नहीं है। तो ये डिजीज जो होता है ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून, बारिश के मौसम में जो होता है, तो उसका उस टाइम पे भी क्रॉप का जो एक्टिव ग्रोथ जो होता है उसी टाइम पे ही रोग आ जाता है। तो इसका जो प्रीडिस्पोसिंग कंडीशन जो बोलते हैं, अगर पानी ऐसे हो रहे हैं, वाटर लॉगिंग जो हो रहे हैं, तो उसमें तो रोग आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसका जनरली तो सिम्टोमेटोलॉजी हमें देखने अगर देखिए तो पहले वो सिम्टम्स जो आता है उसका कॉलर रीजन पे, उसका मिट्टी के जो आसपास जो रीजन है उसका कॉलर रीजन कहते हैं। तो स्यूडोस्टम का कॉलर रीजन में पहले वाटर सॉक, ये ब्राउन लीशंस जो होते हैं, तो ये ऊपर या नीचे स्प्रेड हो जाते हैं। लेटर इट स्प्रेड टू राइसोम्स। देन अगर आप फोलियर सिम्टम देखते हैं तो पहले वो पत्ते पूरा पीले हो जाते हैं, तो जो शुरू हो जाता है टिप से नीचे वो स्प्रेड हो जाता है। उसके बाद तो जब डिसीज का एडवांसमेंट हो जाता है उसमें ड्रूपिंग विदरिंग और उसको स्यूडोस्टम या पत्ते पूरा सूख जाता है। तो कॉलर रीजन ऑफ स्यूडोस्टम इट बिकम सॉफ्ट वाटर सॉक रिजल्टिंग कोलैप्स ऑफ द प्लांट एंड डीके, वो भी राइसोम पूरा डीके हो जाता है। ये तो जनरल सिम्टोमेटोलॉजी है। फिर भी आप फील्ड में अगर देखा तो पहले वो पत्ते वगैरह पत्ते जब पीले हो जाते हैं तो आप ये देखना पड़ेगा वहां कुछ वाटर स्टैग्नेशन, पानी का वो प्रेजेंस, पानी ज्यादा है क्या नहीं वो देखना पड़ेगा आप लोगों को। उसके अगर उस पानी का वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आपको देखना पड़ेगा उसका लीफ अगर आप पुल करें तो आसान से आ जाते हैं या राइजोम्स स्यूडोस्टम्स, उसमें कुछ प्रोटीन का सिम्टम है क्या नहीं। तो हम जनरली पिथी अम्फेडर मध्य में इंटरनेट से लिया हूँ, आप देख सकते हैं कि ऐसे उसका थोड़ा सा बायोलॉजी है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि पहले आपको देखना पड़ेगा ये रोग कहाँ से आते हैं। तो आपको शायद पता होंगे तो ये रोग इन जनरल राइसोम से जाते हैं। तो जहां कल्टिवेट करते हैं, जहां डिजीज फील्ड से आप राइसोम लेते हैं अगले साल के लिए, वहां से ये यूजफुल जो बोलते हैं एक बीज जैसा होता है, ये बीज राइसोम के अटक रहता है। जब इस राइसोम आप ट्रीटमेंट बिना, अगर कुछ फंगीसाइड रिकमेंड फंगीसाइड्स के ट्रीटमेंट के बिना आप बोएंगे तब ये डिजीज आ जाते हैं। तो आगे क्या होता है कि अगर ये फील्ड में आ जाता है सोइंग तो हो गया, तो ये क्या होता है कि अगर बारिश मिलने के बाद या पानी थोड़ा सा मिलने के बाद ये थोड़ा सा जर्मिनेट हो जाता है। तो उससे हम जैसे कहते हैं सूसपोर जो कहते हैं, ये सूसपोर ये तो तैर कर सकता है पानी में ऐसा आसान तैर कर सकता है और तैर करके एक जगह से एक बेड से दूसरे बेड तक जा सकता है पानी के साथ, और तैर करके जाके वो डिसीज कॉज कर सकता है। तो एक तो सिम्टम जो होता है तो आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं इसका राइसोम रोड का सिम्टम, वो तो प्लांट का सिम्टम मैं पहले दिखा चुका हूँ। तो ये आप राइसोम देखे तो पूरा डीके हो जाता है, उस अंदर कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा फाइबर वगैरह रहता है। और इसके इसके साथ तो एक राइट साइड के पिक्चर आप देखिए, एक पीले सर्कल में जो है एक कीट जो होता है, तो इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन है या कीट पहले आ जाता है या राइसोम रोड पहले आ जाता है। तो अब तक जो स्टडीज हमें रिसर्च तो बता चुका है कि ये राइसोम रोड जो होता है उसके बाद ये कीट आके उसमें तो अंडा देता है, कीट आके अंडा लेता है और उसमें से थोड़ा सा वर्म्स निकल जाता है, कीड़े और निकल जाते हैं। तो ये कीड़े डिजीज स्प्रेड के इसके मीन्स चांसेस करने का वो चांसेस जो होता है वो तो कुछ फिर भी मीन्स कुछ रिसर्च करना चाहिए इसमें। इसका मतलब है कि पहले ये कीट आने की संभावना कम है, तो पहले शायद राइसोम रोड आ जाता है, उसके बाद एक कीट आ भी सकता है। आप लोग पहले आप शायद देखते होंगे फील्ड में देखे होंगे इसका एपिडेमियोलॉजी। मतलब मैंने पहले कहा कि अगर अगर डिसीज हो या पेस्ट हो, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन मेनली वेदर कंडीशंस, हाउ द वेदर वेरिएबल्स जस्ट लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, रेनी डेज, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो कैसे इसको डिसीज या पेस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हम जनरली देखते हैं इसका एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी मतलब और डिसीज या वेदर का रिलेशनशिप। सीजन सो जनरली बारिश के मौसम में साउथ वेस्ट मानसून में ज्यादा हो जाता है, जहाँ पानी ज्यादा हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी करीब 95-100% तक हो जाता है, तभी ये डिजीज आने की संभावना ज्यादा है। तो मैंने पहले कहा सर्वे कैसे होता है, तो एक बार जो डिजीज आ गया वो फील्ड में तो वहां ये मैंने कहा कि वो एक बीज होता है इसमें, तो बीज वो मिट्टी में रह सकता है
और दूसरे सर्वाइवल की चांस है इन्फेक्टेड सीड राइसोम्स। अगर आप वो सीड राइसोम्स किसी डिसीज इन्फेक्टेड फील्ड से लिया तो वैसे भी वो सर्वे कर सकते हैं सीड के साथ। तो दूसरा तो स्प्रेड कैसा होता है, सॉइल से, मिट्टी से या पानी से। तो हम जैसे हम एक डिसीज एरिया से दूसरे एरिया में तो हम पास कर सकते हैं, तो वैसे भी स्प्रेड हो सकता है और मेनली राइसोम बोर्न होता है। जो फेवरेबल कंडीशंस जो होते हैं, मैंने पहले कहा कूल एंड मॉइस्ट वेदर, तो लो टेम्परेचर लो होना चाहिए और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई होना चाहिए। तो जनरली मैनेजमेंट तीन एस्पेक्ट के ऊपर है। तो इसमें मैं जो लिया है होस्ट प्लांट रेसिडेंस, तो पहले तो वो तो मोस्टली इकोनॉमिकल थिंग ऑफ मैनेजिंग डिजीज और पेस्ट व्हाटएवर इट मे बी। सो इज ग्रोइंग रेसिडेंट प्लांट्स, सो प्लांट्स विद द रेसिडेंट जीन्स। तो ये मैंने पुराने जो कल्टीवर्स है वो भी मैंने जोड़ लिया है इसमें। तो कल्टीवर्स जो है तो सुवर्णा, सुगुणा, सुदर्शना और शिलोंग जो वेराइटी जो होता है ये रेसिडेंट है। और एरोमेटिक टाइप्स जो है इसमें तीन तीन जीनोटाइप जो दिया है वो भी रेसिडेंट है राइसोम के लिए। और इसमें तो थोड़ा सा कल्चर ऑपरेशन, मतलब हमें जो एक्टिविटीज जो करते हैं फील्ड में जो करते हैं, तो इसमें हम दो तीन चीज करने से डिसीज का इंटेंसिटी या इसका सिवियरिटी कम कर सकते हैं। एक तो क्रॉप रोटेशन है, तो मैंने पहले कहा एक बार आपके आपने फील्ड में सोइंग किया, ले लिया सोइंग, तो उसमें अगर रोग एक बार आ गया तो फिर मिटाना बहुत मुश्किल है। तो इससे ऐसे तो इसको थोड़ा सा वो मैनेज करने के लिए आप क्रॉप रोटेट कर सकते हैं। आप एक जगह टर्मरिक मत लगाइएगा कंटिन्यूसली, तो एक या दो साल किसी दूसरे नॉन होस्ट क्रॉप से, नॉन होस्ट तो ये सेम फैमिली का होना नहीं होना चाहिए, मतलब टर्मरिक नहीं होना चाहिए और सस्टेनेबल क्रॉप नहीं होना चाहिए। तो ऐसे क्रॉप रोटेट करके तो हमें इसका इंटेंसिटी और सिवियरिटी कम कर सकते हैं। तो दूसरी बात है कि डिसीज फ्री राइसोम्स ये इस्तेमाल करने से डिसीज कम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक देखना पड़ेगा कि आपने मैं अगले साल अगर मैं टर्मरिक कल्टिवेशन करना चाहता हूं तो इस बार आप जिस फील्ड चुनी है कि वहां रोग बिल्कुल नहीं है, तो वहां से आप वो सीड मटेरियल लेके, दैट मींस डिसीज फ्री राइसोम लेके अगले साल के लिए रखना है। और तीसरा है कि प्रोवाइड एडिक्वेट ड्रेनेज फैसिलिटीज। तो मैंने पहले कहा मतलब अगर पानी पानी में डूबा तो वहाँ बेड जो है तो पानी में डूबा तो अगर पानी के जरिए ये डिसीज स्प्रेड होने की चांसेस संभावना बहुत ज्यादा है। तो एडिक्वेट ड्रेनेज प्रोवाइड करने से हमें एक डिसीज का स्प्रेड अगर एक बार आ गए तो अभी फील्ड में तो वो मैनेज कर सकते हैं। और चौधरी और फाइटोसैनिटेशन, जो डिसीज आ गया तो किसी बेड में डिसीज आ गया वो पूरा पौधे निकाल के आपको या बर्न करना चाहिए। मतलब अगर फील्ड में छोड़ दिया तो इसका पैथोजन फील्ड में और सर्वे करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और तीसरी और केमिकल हम कैसे कर सकते हैं, तो हमको मालूम है कि हमारे एक बार तो क्रॉप फसल खत्म हो गया तब हार्वेस्टिंग करके इधर जनरली मैंगो सब 0.3% में, जनरली 0.3% मैंगो सब में करीब 30 मिनट आपको इमर्स करना चाहिए और इमर्स करके आप थोड़ा सा वो ड्राई करके स्टोर करना चाहिए। और अगली बार अगले साल ये सोइंग करने से पहले भी ये रिपीट करना चाहिए, मैंगो सब में एक बार डिप करके मतलब इमर्स करके 30 मिनट और ड्राई करके उसको बोना चाहिए। और एक बार अगर फील्ड में डिजीज आ गया तो क्या करना चाहिए, तो पहले आप एक करना चाहिए कि मेटलैक्सिल मैंगो सब इन जनरल एक बार आ गया तो मेटलैक्सिल मैंगो सब ड्रेंचिंग करना चाहिए। जो बेड में डिजीज है उसी बेड में ड्रेंचिंग करना चाहिए और आसपास जो बेड जो है उसमें कोप्रोक्सीक्लोराइड या मैंगोसर तो वो 15 या 20 दिन इंटरवल तो इंटरवल में तो ड्रेंचिंग कर सकते हैं। ये तो फर्स्ट सिम्टम आने के बाद, तो इसका तो हम भी थोड़ा सा विजिलेंट रहना चाहिए कि अगर एक बार डिजीज आ गया तो पहले देखना है कि वाटर पानी की प्रॉब्लम से कुछ डिजीज नहीं आ गया या सिम्टम नहीं आ गया। अगर ये पैथोजन है या डिजीज है ऐसा है तो ये सब चीज ये सब केमिकल वगैरह ट्रंच करना चाहिए। तो इसका बायोलॉजिकल भी है, अगर ट्राइकोडर्मा है या आपका जो बायोएजेंट्स आपके पास जो है तो वो पहले आप जब लैंड प्रिपेयर करते हैं तो करीब 15-20 टन अगर 20 टन चाहिए करीब तो फार्म यार्ड मैन्योर ऐसा कुछ है तो उसे मल्टीप्लाई करके फील्ड में स्प्रेड कीजिएगा। नहीं तो स्प्रेड करके आप जब सीड बोएंगे तब भी इसमें डाल सकते हैं।
तो अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा करने से भी इसका बायोलॉजिकल एजेंट्स का बायोकेमिकल एजेंट्स जो भी हो ट्राइकोडर्मा हम जो बाहर से डालते हैं और मिट्टी में जो है स्वाभाविक रूप से स्वाभाविक तरीके से मिट्टी में जो है उसका भी बढ़ावा कर सकते हैं, वो भी पैथोजन के साथ लड़ाई करके डिजीज का सिवियरिटी कम करेंगे। तो चलते हैं अगले प्रॉब्लम तो है लीफ ब्लॉच स्टाफिना मैक्यूलेंस जो है एक फंगस है, तो इसका भी ये भी कॉसोपोल्टन है जहां टर्मरिक कल्टीवेशन करते हैं तो वहां ये इसका तो बहुत कॉसोपोल्टन ऑकरेंस जो है, तो ये भी जो क्या मैं जैसे हम राइस रोड जैसे हैं क्योंकि एक बार डिजीज आ गया तो इसका जो बीज मिट्टी में रह सकता है उससे डिजीज अगले साल अगले सीजन में भी आ सकता है। तो जनरली ये डिजीज जो होता है थोड़ा सा लेट आ जाता है, थोड़ा सा साउथ वेस्ट मानसून के थोड़ा सा जो कम होने से थोड़ा सा लेट सीजन में जो होता है करीब सितंबर या अक्टूबर नवंबर मंथ में और डिपेंड्स ऑन वेदर अगेन। सो व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स टू अराउंड 21 या 23 डिग्री सेल्सियस तब और रिलेटिव ह्यूमिडिटी करीब 80% आने तक ये डिजीज ज्यादा होने का संभावना है। तो इसका भी थोड़ा सा बायोलॉजी में नेट से ले आऊं तो एक बार तो डिजीज आ गया तो आपने जो देखा है उसका जो थोड़ा सा नेक्रोटिक एरिया जो डेड एरिया में जो है तो वहां इसका जो बीज रहता है तो बीज रह के या ऐसे डिजीज ऐसे हो गया वो लीफ इधर मिट्टी में नहीं तो राइजोम में भी शायद हो सकता है। अगर मिट्टी में अगर रह गया वो सर्वे कर गया तो अगले साल जब ये टर्मरिक हम सोइंग करते हैं तब वो डिजीज आने की संभावना जो है इसका जो स्पोर्ट्स जो बोलता है स्पोर्ट्स निकाल के तो दूसरे हेल्थी लीफ में हेल्थी पत्ते में वो जाके वहां को इन्फेक्ट कर सकते हैं, वहां से डिजीज भी हो सकता है। तो इन जनरली इसका सिम्टम ऐसे जो होता है तो इसका तो स्मॉल जो ओवल रेक्टेंगुलर और ब्राउनिश स्पॉट्स तो ऐसे पहले शुरुआत में ऐसे होता है पत्ते के दोनों साइड पे ऐसे स्पॉट्स आ जाता है और उसके बाद वो डर्टी येलो और डार्क ब्राउन ऐसे हो जाता है। तो उसके थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद थोड़ा सा कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है कि उसका न्यूमरस डिस्क्रीट या बाउंड स्पॉट्स हो तो कोएलेस हो जाता है तो मिल्क के एंड पूरा पत्ते में स्प्रेड हो जाता है, उसके बाद ये पूरा पत्ते सूज जाता है। तो आप सिम्टम्स देख सकते हैं इसका थोड़ा सा बहुत सीवियर जो है तो आप देख सकते हैं कि पत्ता पूरा सूख गया मतलब डिजीज पूरा पत्ते में स्प्रेड हो गया, उसका पत्ते में भी नहीं उसका सीरोस्टम में भी इसका सिम्टम्स बहुत प्रॉन्स है। आप तो देख सकते हैं अगर कंट्रोल नहीं किया तो आप देख सकते हैं पूरा सीरोस्टम और पूरा पत्ते में आके तो पूरा ये सब सूख जाता है, पूरा पौधे भी सूख जाता है। तो इसका वेदर का क्या रिलेशन है देखते हैं तो जनरली अक्टूबर नवंबर सीजन में थोड़ा सा लेट आ जाता है, फिर भी हम रिकॉर्ड किए हैं उसके पहले भी आ सकता है लेकिन थोड़ा सा साउथ वेस्ट मानसून थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है वह तब शुरू हो जाता है लेटर सीवियरिटी जो होता है अक्टूबर या नवंबर महीने में हो जाता है। एक सर्वेल होता है कि इन्फेक्टेड लीफ डेब्रिस या सॉइल में अगर एक डिसीज पत्ता अगर सॉइल में से रह गया तो वहां ये इसका बीज रहता है, बीज आराम से रहता है और अगर कुछ हम वो फाइटोसैनिटेशन डिस्ट्रॉय नहीं किया तो सॉइल में वो रहता है और अगले साल में डिसीज प्रोड्यूस कर सकता है। इसका स्प्रेड जो होता है विंड बोर्न एस्कोस्पोर्स मैंने जैसा कहा पहले इसका बीज जो होता है बीज से थोड़ा सा ये स्पोर जो होता है ये विंड के जरिए एक डिसीज प्लांट से हेल्थी प्लांट तक जा सकता है और डिसीज भी कर सकता है। इसका जो फेवरेबल कंडीशन जैसे मैंने पहले कहा रिलेटिव ह्यूमिडिटी शायद करीब 80% और टेम्परेचर 21 to 23 डिग्री सेल्सियस तो फेवर करता है डिजीज को। तो इसका भी मैंने इसमें दिया है तीन तरीके से भी काम कर सकते हैं मैनेज कर सकते हैं। एक जो है हाउस प्लांट रेजिस्टेंस तो डिफरेंट वैरायटीज या मोस्टली जीनोटाइप्स बहुत कुछ अभी दिखाया गया है इसमें तो वहां कल्टिवेट करने से तो डिसीज को थोड़ा सा मैनेज कर सकते इकोनॉमिकली मैनेज कर सकते हैं। तो कल्चरल फाइटोसैनिटेशन के अलावा कुछ भी नहीं है तो जो पौधे रोके वास्ते कारण से मर गया तो उसको पूरा काट के निकाल के तो बर्न करना चाहिए अगर उसका स्पोर और पत्ते वगैरह फील्ड में रह गया तो अगले साल डिसीज आ जाएगा। तो केमिकल एक बार डिसीज शुरू हो गया तो डिसीज सिम्टम्स नोटिस करने के बाद जनरली मैंगोसर प्रोपिकोनासोल और कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रे कर सकते हैं सो एट फॉर्टनाइटली इंटरवल टिल द डिसीज इज मैनेज्ड।
चलो आगे चलते हैं। तो लीज पोर्ट सर, आपने जैसा कहा, शिरके साहब ने जैसा कहा, लीज पोर्ट हमने देखा है। हम गुंटूर एक बार गए थे, मतलब जिस एरिया वो सस्टेनेबल कल्टीवार कल्टीवेशन जो करते हैं, तो वहां इसका सिवियरिटी बहुत ज्यादा था। तो इसका सिम्टोमेटोलॉजी ऐसे है कि इसका शुरुआत में तो इट अपीयर्स एज अ ब्राउन स्पॉट्स ऑफ वेरिंग डायमेंशन, इसका साइज पूरा अलग अलग हो जाता है। तो स्पॉट्स इरेगुलर शेप होता है, इसका सेंटर जो होता है व्हाइट और ग्रे। तो जैसे और टाफ्रिना के जैसे इसका स्पॉट्स इन द लेटर स्टेज में कॉयरस हो जाता है, फॉर्म इरेगुलर पैचेस एंड कवरिंग ऑलमोस्ट एंटायर लीफ। सो ये सब डिजीज का सिवियरिटी अगर बढ़ने के बाद ये पूरा पत्ते सूख जाता है। तो दिस आर द सिम्टम्स व्हाट यू कुड ऑब्जर्व। आप अगर गौर से देखेंगे आपको पता होगा इसका स्पॉट्स के सेंटर में तो ब्लैक ब्लैक जो दिखता है, वो काले स्पॉट जो दिखता है, तो वहां वहां से इसका बीच जो होता है, इसका स्पोर जो होता है, तो यहाँ से दूसरे जगह ये विंड के जरिए वो स्प्रेड हो जाता है। तो ये जो स्पोर जो है, तो इतना अगर सिवियरिटी अगर बढ़ गया तो ये पूरा कॉयलेस करके पूरा पत्ते सूख जाता है। तो जनरली इसका सर्वाइवल जैसे है, मैंने पहले टाइफ्रेन लीफ ब्लोच के बारे में जैसा कहा, तो डिसीज पत्ते में जो भी हो, ये तो चिल्ली में भी जा सकता है, तो डिजीज पत्ते में और मतलब मरा मरा हुआ पत्ते में या सिम्टम्स जो है, तो वहां वो लीफ के अंदर ये रह सकता है। अगर वो डिजीज लीफ अगर सूख गया, लीफ पूरा फील्ड में छोड़ दिया, तो ये सर्वाइव कर सकता है, मिट्टी में कर सकता है, ये इसका पत्ते में भी कर सकते हैं। और देखते हैं इसका एपिडेमियोलॉजी, मित्र इसका मतलब वेदर के कंडीशन क्या है इसमें। तो अगर सीजन देखा तो शुरू हो जाता है, ऑलमोस्ट सिवियरिटी ज्यादा हो जाता है लेट सीजन में, मतलब अगस्त टू नवंबर में इसका सिवियरिटी ज्यादा हो सकता है। जैसे मैंने पहले कहा, सर्वे जो होता है इसका राइसो में भी सर्वे हो जाता है, एंड इट कैन सर्वे फॉर वन ईयर ऑन इन्फेक्टेड लीफ डेब्रिस इवन। तो मैंने पहले कहा कोलैटरल होस्ट जो होता है इसका दूसरा होस्ट भी हो जाता है, टर्मरिक होने की जरूरत भी नहीं है। इसका पीजीएनपी जो होता है, क्लस्टर बीन, सोरगम और चिल्ली में भी इसका होस्ट हो सकता है। और स्प्रेड जैसा लीफ ब्लॉच की तरह विंडबॉर्न कोनिडिया, विंडबॉर्न स्पोर से एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक स्प्रेड हो जाता है, और हाई ह्यूमिडिटी और वेट वेदर इसको बहुत फेवर कर सकते हैं। और इसका जनरल मैनेजमेंट इसका वो भी तीन तरीके हैं, डिफरेंट वेराइटीज है, जीनोटाइप्स वगैरह है, वो कल्टिवेट करने से इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि फाइटोसैनिटेशन एंड शेड रेगुलेशन, ये जनरल एस्पेक्ट है। जो लीफ स्पॉट है या लीफ बेड है, अगर थोड़ा सा शेड रेगुलेट कर सकता है, मैं आगे थोड़ा सा फोटोग्राफ है, मैं दिखाऊंगा कैसे करता है। तो अगर शेड थोड़ा सा देंगे, यूजुअली तो टर्मरिक ओपन कंडीशन में करते हैं, लेकिन बीच में अगर कुछ दूसरा क्रॉप वगैरह, मिक्सर क्रॉपिंग ऐसे कुछ लगा सकते हैं, मेज वगैरह लगा सकते हैं, थोड़ा सा शेड दे सकते हैं, तब लीफ स्पॉट वगैरह या लीफ ब्लाइट वगैरह कोल्टोट्राइकम का ये कम कर सकता है। तो अगर डिसीज शुरू होने के बाद बोर्डो स्प्रे, मैंगो सब, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोपिकोनास से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोपिकोनास सोल्ड लीफ ब्लॉच में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि जब डिजीज शुरू हो गया तब से हम कॉन्स्टेंट विजिल करना होना चाहिए, जब डिजीज हो गया शुरू हो गया तब से ये इसमें से कोई भी केमिकल स्प्रे करने से हमारा लीफ ब्लॉच या लीफ ब्लाइंड मैनेज कर सकता है। और लास्ट में तो निमेटोड्स, तो सूत्रकृमि जो होता है, सूत्रकृमि इसमें जनरली थ्री स्पीशीज रिपोर्टेड है, लेकिन इसमें अभी हम देख रहे हैं रिसेंट रिपोर्ट जो आ रहा है, तो प्राटेलेंकस जो बोलते हैं उसका, लीशियन निमेटोड जो बोलते हैं उसको, तो अभी उसका इंसिडेंस ज्यादा हो रहा है। तो उसका सिम्टम आप पहले देखोगे तो ये तो जैसे लीफ ब्लॉच, राइजोम रोट ऐसा नहीं होगा। तो अगर एक बड़ा ग्रुप है तो उसमें थोड़ा सा पैच पैच में ये डिजीज का सिम्टम जो है, मतलब इसका इन्फेक्शन का सिम्टम होता है। तो एबोग्राउंड सिम्टम और बिलो ग्राउंड सिम्टम क्या क्या है हम देखते हैं। तो एबोग्राउंड सिम्टम्स में या स्टंटिंग होगा, येलोइंग, मार्जिन एंड टिप ड्राइंग ऑफ लीफ ऐसे होगा, टिलरिंग रिड्यूस होगा, और प्रीमैच्योर ड्राइंग एंड लॉजिंग ऑफ टिलर्स एंड एरियल सिम्टम्स अपीयर इन पैचेस ऑफ स्टंटेड प्लांट। जैसे मैंने पहले कहा, अगर बड़ा ग्रुप है, मतलब बड़ा हमारा एरिया है, तो उस पैच में वो डिजीज सिम्टम आ जाता है। और नीचे अगर आपने वो राइसोम निकाल के देखा तो उसमें तो उसके जड़े में तो विजिबल घास या ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसका रूट्स में। तो अगर लीशन लिमिटेड है, प्राइटेलिंगस है, तो राइसोम या राइसोम में नहीं तो रूट में इसका लीशन जो होता है, तो मरा हुआ ब्लैक ब्लैक लीशन वी कैन सी। तो इसका दूसरा प्रॉब्लम है कि इंट्रैक्शन ऑफ मेलाडोग इनकॉग्रेंटा, दैट इज रूट नॉट लिमिटेड,
एंड पिथियम एफायरोमेटम कैन कॉज अ सीवियर राइजोब्रोट, अगर इसका सिनर्जिस्टिक एक्शन से तो राइजोब्रोट भी इंक्रीज, सीवियरिटी इंक्रीज होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। तो ये सिम्टम जो है आप देख सकते हैं, और फील्ड में कैसे कैसे निमेटोड अटैक का सिम्टम आप देख सकते हैं, ये पैच में ऐसा होता है, आप देख सकते हैं पूरा स्टैंडर्ड है कंपेयर टू द नेबरिंग प्लांट्स, लीव्स थोड़ा सा वो ब्लाइट हो रहा है लीफ मार्जिन से, अगर राइसोम देखा तो थोड़ा सा वो ड्राइड, इसमें लीशेस देखा, इसमें तो रूट नॉट नहीं, इसमें तो मरा हुआ रूट्स जो दिख सकते हैं। तो जनरली इसका स्प्रेड या ऑकरेंस कैसा होता है कि सीजन पोस्ट मानसून में ज्यादा होता है इसका, बारिश के मौसम में इसका अगर इन्फेक्शन शुरू हो गया तभी भी इसका सिवियरिटी होगा ज्यादा, पोस्ट मानसून में ज्यादा हो सकता है। इसका सर्वाइवल कैसा है, तो ये भी यज्ञ या लार्वे की रूप से अगर इन्फेक्टेड राइसोम या किसी वीड्स में इसका सर्वाइवल हो सकता है। तो मेनली इसका स्प्रेड जो होता है इन्फेक्टेड राइसोम से, तो मैंने पहले कहा कि इन्फेक्ट राइसोम से हमारा लीफ राइसोम रोट स्प्रेड हो सकता है, इसका लीफ स्पॉट भी हो सकता है, उसके अलावा निमेटोड्स भी इन्फेक्टेड राइसोम में हम जैसे होंगे निमेटोड केस से उसमें रह सकते, क्योंकि हम स्टोर करेंगे तो पूरा टर्मरिक थोड़ा सा सूख ड्राई कंडीशन में स्टोर करता है, फिर भी निमेटोड उसके उसमें राइसोम में एग या लार्वा एग मोस्टली एग के जरिए से स्प्रेड हो सकता है। और स्प्रेड दूसरा फील्ड में कैसे स्प्रेड हो जाता है, रन ऑफ वाटर, जहाँ अगर एक डिसीज और इन्फेक्टेड एरिया से दूसरी तरह पानी गया तो उसकी पानी के जरिए से भी ये स्प्रेड हो सकता है। और जनरली टेम्परेचर ऑफ 25 या 35 डिग्री सेल्सियस तक ये तो फेवरेबल करता है निमेटोड डेवलपमेंट के लिए। तो इसका होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस जो है, तो हमने पहले कहा कि आईएसआर प्रगति रूट नॉट निमेटोड की अगेंस्ट रेजिस्टेंट है। कल्चर प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, वो पहले अगर कर सकते हैं तो दैट इज वन थिंग, एक सोलराइजेशन ऑफ सॉइल सोलराइजेशन, जहां मार्च या मंथ आई मीन हॉट सीजन है समर में आप कर सकते हैं। पहले आपको ये भी चुनना पड़ेगा, एक टेस्टिंग थोड़ा सा टेस्टिंग करके अगर वो मिट्टी में निमेटोड है क्या नहीं, यूज ऑफ हेल्थी प्लांटिंग मटीरियल, सॉइल एक्सपोज करके थोड़ा सा समर प्लाउइंग करके अगर सॉइल एक्सपोज किया तो, और टेम्परेचर के जरिए इसमें जो जो लेफ्ट ओवर एग होगा या उसका जुवेनाइल्स होगा, यंग निमेटोड्स होगा, वो सब मर जाता है। तो मैंने पहले कहा हम क्रॉप रोटेशन करके और या दूसरा क्रॉप लगाने से टर्मरिक के साथ या उसके बाद, क्या ऑयल सीड जैसे मस्टर्ड, जिंजली, टायरो, कसावा जो भी हो, मैरीगोल्ड इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, तो ये सब करने से उसका पॉपुलेशन कम कर सकता है। और फार्मयार्ड मैन्यूअर मैंने कहा कि पहले इतना अगर डाला तो 25-30 टन इन जनरल रिकमेंडेशन, उसमें क्या हो सकता है कि मिट्टी में जो है वो बायो कंट्रोल्ड एजेंट्स जो है मिट्टी में है तो ये सब मल्टीप्लाई हो जाता है उसमें, और फ्लडिंग द फील्ड फॉर 4 to 8 weeks तो टू क्रिएट एन एनएरोबिक कंडीशन, ऑक्सीजन तो चाहिए निमेटोड्स के लिए, तो अगर एक बार एक महीने के ऊपर अगर फ्लडिंग किया तो वैसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो कल्चरल प्रैक्टिस जो है, तो आपको जैसा लगता है आपको जो अडोप्ट कर सकते हैं वो सब अडोप्ट कर सकते हैं। और केमिकल में तो पहले कार्बोफ्यूरान यूज करते थे, लेकिन कार्बोफ्यूरान तो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम में भी है, तो कार्बोसल्फान जो है ये केमिकल वो सीड राइसोम फीड करने से थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और बायोलॉजिकली तो पोचोने क्लाइमेटोस्पोरिया तो हमारे इंस्टीट्यूट से रिलीज किया है, तो पोचोने क्लाइमेटोस्पोरिया एक निमेटोफेगस फंगस है, अगर वो 20 ग्राम पर बेड जब प्लांटिंग करते वक्त ये सब डाला तो थोड़ा सा बायोलॉजिकली हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब मुझे लगता है इसका क्लास शायद किए होंगे, तो ये टेक्नोलॉजी भी हमारा इंस्टीट्यूट से रिलीज किया है। तो एक प्रोट्रे मेथड है, तो आपको अब जानते होंगे करीब हमें 2.5 टन चाहिए हमारा सीड मटेरियल, तो ये प्रोट्रे लगाने से हमें चार फोर मेनली इंपॉर्टेंट थिंग्स आर देयर। सो फर्स्ट थिंग इज दैट you can reduce the seed material, the quantity by 1/4 or 1/5 roughly. So dusre baat hai ki say we can save in seed cost, and third important thing from disease point of view is you will get a disease free planting material, and it is suitable for long distance transport also.
सो इसमें जो करना चाहिए कि आपको जो पहले जो करना चाहिए आपको सीड राइसोम जिस प्लॉट में तुम्हारा डिजीज बिल्कुल नहीं है उस प्लॉट से आपको लेना चाहिए, एक बार मैंगो सबसे ट्रीट करना चाहिए, वहां से सिंगल बड निकाल के एक प्रोट्रे में लगाना चाहिए जो जितना वेल है सो डिपेंड्स, तो जिन्हें प्रोट्रे में लगाना चाहिए, प्रोट्रे में आप जो लगाते हैं उसमें तो क्वायर पिट वेल डीकम्पोज पार्शियल डीकम्पोज क्वायर पिट और वर्मी कम्पोज 3:1 प्रोपोर्शन में डालना चाहिए, तो उसमें ये बड रखे अच्छा ह्यूमिडिटी वगैरह देना चाहिए, तो इसमें तो रोग आने की चांसेस बहुत कम है, अगर डिजीज अगर है तो भी एक प्लांट निकालने से भी आपका वो प्रॉब्लम कंट्रोल कर सकते हैं, तो अगर ट्रांसप्लांटिंग के टाइम में एटलीस्ट 30-45 डेज अहेड ये तैयार हो जाता है, लेकिन जहां आप ट्रांसप्लांट करते हैं आपको ऐसे एक अश्योरेंस तो देना पड़ता है कि यू हैव टू एंश्योर इरिगेशन वाइल ट्रांसप्लांटिंग, इन जनरली ट्रांसप्लांटिंग इज नॉट फॉलोड इन टर्मरिक, फिर भी आप ये तकनीक जो है तो अपना कर सकते हैं इसमें, लेकिन वो इरिगेशन का सुविधा होना चाहिए फील्ड में, तो ऐसे मैंने पहले कहा वो शेड के शेड हम कैसे कर सकते हैं, तो इसमें तो रेड्रम लगा हुआ है थोड़ा सा शेड देने में, ये भी इंटरक्रॉपिंग इन मैंगो, तो ऐसे एक कल्चरल ऑपरेशन जो है बीच में आप थोड़ा सा ओवर बैरियर थोड़ा सा वो दीवार बना देंगे, दीवार जो बना देंगे उसमें तो डिसीज स्पोर का स्प्रेड थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता है एक डिसीज फील्ड से दूसरे डिसीज दूसरी हेल्थ फील्ड में जाने से थोड़ा सा कम हो सकता है, सो as a दीवार यू कैन पुट सम क्रॉप जस्ट लाइक मेज मे बी इवन आम उतना बढ़िया तो दीवार नहीं है फिर भी मेज लगा सकते हैं रेड ग्राम लगा सकते हैं इसके जरिए हम तो मैंने जैसे पहले कहा वो थोड़ा सा शेड भी दे सकते हैं आपको एडिशनल इनकम भी मिल जाएगा, और दूसरी बात है कि सो इट विल रिमेन एज अ वॉल इन बिटवीन द टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम द विंड बोर्न स्पोर्स और पैथोजन, तो मेज लगा हुआ है दैट ऑल्सो यू कैन सी, तो इन जनरल सो टू कंक्लूड सो तीन चार तरीके हैं जो जितने रोग जो है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, पहले कहा होस्ट सब्सटेंस जो है तो मैंने कहा डिफरेंट वेराइटीज जो होता है अगेंस्ट डिफरेंट डिजीजेस और कल्चरल ऑपरेशंस एंड अदर्स, इन जनरल डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हो सकता है तो सॉइल सॉल्टेशन ड्यूरिंग समर मंथ वो करना चाहिए, फाइटोसैनिटेशन करना चाहिए इसलिए कि अगर डिसीज प्लांट मटेरियल कुछ उसमें बच गया तो फील्ड में बच गया तो ये पैथोजन इसमें उसमें सर्वे करेंगे अगले सीजन तक सर्वे कर सकते हैं, अगर सीजन में अगर सोइंग किया तो डिसीज होने की चांसेस बहुत हैं, क्रॉप रोटेट कर सकते हैं नॉन होस्ट क्रॉप से क्रॉप रोटेशन करने से भी डिसीज मैनेज कर सकते हैं, ड्रेनेज फैसिलिटी तो निमेटोड या राइजोम रोड डिसीजेस मैनेज करने के लिए ड्रेनेज फैसिलिटी की सुविधा करना चाहिए, सॉइल अमेंडमेंट्स इन द नेम ऑफ जस्ट लाइक नीम केक और अदर ऑयल केक्स और इवन एडिंग FIM फार्म यार्ड मैन्योर ऐसे कुछ तो करने से सॉइल का कंडीशनिंग हो सकता है उसका मतलब जीवाणु जो है तो मित्र जीवाणु जो है जस्ट लाइक ट्राइकोडर्मा या होगा या स्यूडोमोनास होगा या दूसरा किसी भी कहीं भी करोड़ ये जीवाणु मिट्टी में हो जाता है उनका हमें सिर्फ वो खाना देना चाहिए, खाना मतलब इसका फार्म यार्ड मैन्योर जो होता है या उसका डिफरेंट ऑयल केक्स वगैरह देने से उसका खाना मिल जाता है, खाना मिलने के बाद ये मल्टीप्लाई हो जाता है तो वैसे भी हम मैनेज कर सकते हैं ट्राइकोडर्मा स्पीशीज जो पोचोनिया क्लाइमेटोस्पोरिया बायोकन रीजन वी कैन अडॉप्ट दिस मेथड्स एंड जनरली केमिकल्स इसमें इस्तेमाल करते हैं तो मैंगो सब जो होता है जनरली कॉप्रोसिक्लोराइड मेथिलाक्सिल वगैरह इसका टॉक्सिटी क्लास भी है तो मैंगो सब ग्रीन में है या मैंगो सब और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन में है तो वो भी फूड सेफ्टी साइड से थोड़ा सा हम देख कर सकते हैं, तो इसके साथ मैं मेरा प्रेजेंटेशन कंक्लूड कर सकता हूं कर रहा हूं, तो थैंक यू ऑल, थैंक यू सर। डॉक्टर कुमार आगे कंक्लूड करने वाले हैं ना सर, कंटिन्यू। ओके थैंक यू।
Thank you. I'll continue with the pest management strategies in turmeric. Sorry, I will not be able to speak fluently in Hindi, so I will continue my conversation in English. Hope somebody will translate for the benefit of the farmers. So, since most of the pests are common to ginger and turmeric, I am giving some of the common pests which occurs in both ginger and turmeric. So, the major pest of Conocytus punctiferalis, which is called a shoot borer, and as Dr. Shelkey said, like a rhizome scale is also a major problem, which is also called as Aspidilla herpi. And also in some cases, this root grub is also a problem. And there are a few other minor pests as well. So this is the shoot borer, which is called by name Conocytus punctiferalis, which is a very common pest in most of the gingivoraceous crop. So it doesn't occur only in turmeric or ginger. It also occurs in many other crops, including a lot of food crops, even in cardamom. It is a highly polyphagous pest. And wherever this ginger or turmeric is grown, this is a major pest in most of these areas. So the damage is caused by the larvae. So you can see in the photograph, the larvae will bore in the shoots, then they will come inside. And what you can see externally is the extrusion of the frass. And also from the distance, you can see some kind of yellowing and drying of the shoots, which is called as diehard symptoms. So it caused huge crop loss to the crop loss in ginger as well as in turmeric. And to an extent of about like 40 to 70 grams of crop loss per clump is caused when more than 50% of the shoots are infested. So this ginger in ginger and turmeric, this shoot borer, it's a major pest. So it has what you are seeing on the top right side is the shoot borer larvae. So it has a life cycle of almost like 40 to 50 days. Like it will complete its life cycle within those days. And you can see the adult photograph also, which is an yellow color moth with the brownish spots. And so this pest infestation occurs especially during it is a high during September, October, but it starts like June, July itself. And also there is a second peak during January, February. And it is, as I said in the beginning, it is a highly polyphagous pest, and it is recorded in more than 65 host plants. And there are several natural enemies which have been recorded on this pest. But the only thing is, like, they are not, these natural enemies are not commercially available, but you can go for conservation of these natural enemies. Like if you are going for organic management of this pest, you can watch a lot of natural enemies. These are called as parasitoids. And these parasitoid pupae also you can see. These are all larval parasitoids, and these parasitoid pupae, if you are noticing in the field, it's better to conserve these parasitoids so that they will take care of the pest. Like we have larval parasitoids, we have pupal parasitoids, and even we have like hyper parasitoids. So these are all, like if you go for conservation of these natural enemies, that itself will bring down the pest to a larger extent. So when it goes beyond the control of natural enemies, we can go for management of this pest using chemical insecticides. And also you can practice some kind of cultural practices, like you can prune and destroy these freshly infested shoots, especially in ginger. Like you cannot do it in case of turmeric, because the number of shoots in turmeric is very less, like when compared to ginger. So in ginger, during the early stage, you can go for pruning of freshly infested shoots, especially during July, August. And a very important thing is, like, in our studies, what we have found is, like, this pest infestation starts 45 days after planting. So you have, the farmers have to keep an eye here. They have to be vigilant after 45 days after planting. And all these pest control operations, they can start, they need to start only after 45 days after planting, because they need not have to keep on spraying from the beginning itself, because that will lead to wastage of inputs as well as residue accumulation in the soil as well as in the crop. So we have found some new generation insecticides which are green labeled pesticides,
they are found to be very effective in controlling this pest, like they are like chlorantraniliprole, which is a green labeled pesticide. It is available in the name of Coragen, and flubendamide, which is available in the name of Fame, or spinosad. Spinosad is also a pesticide which has been derived from actinomyces. So it is a, it is, you can say like it is a biologically derived pesticide, and the dose requirement is very less. Like you can see like these pesticides, the dosage is only 0.5 ml per liter. So after 15 days intervals, starting from 45 days after planting, you can start spraying these pesticides. So hardly you may require up to a maximum of 7 rounds of pesticide application. So in case of ginger, you can these insecticides were found to be effective. And also in case of turmeric, as I said in the beginning, you cannot go for pruning of the shoots, so you have to go for application of insecticides. Even neem based pesticides were found to be effective, but I won't say it is very effective as compared to pesticides like chemical insecticides. So these insecticides like chlorantraniliprole, flubendamide, spinosad, or even this lambda cyclothrin is comparatively cheaper when compared to the other new generation insecticides. Of course, lambda cyclothrin is not a green labeled pesticide. It is an yellow labeled pesticide, but still it is found to be very effective. Whereas the only thing is the dosage for lambda cyclothrin is 2 ml per liter, and you have to spray the pesticides at the 15 days interval, starting from 45 days after planting. And the next important pest is rhizome scale, which is called as Aspidilla hatti. And this is a very serious pest in storage, like in storage in all areas. And they hear that the damage is caused by adults as well as the larvae, like the small scales. These are very minute insects, you can see here. The damage caused by them is very severe. Like what happens is like it will suck the sap by feeding on the surface, and it will cause shriveling of the buds, and the rhizomes will become they will become unviable, like they will lose the germination potential. So you can see a comparison of both the rhizomes, the infected as well as the infested as well as the healthy rhizomes here. The infested rhizomes will not germinate afterwards. So here the insects, they have they are like, you can see those insects, a close up of the scale insects on the top picture, like they are like a shell like insects. They are very strong insects and very hard insects, and almost the life cycle is about 30 days. And these insects have alternate hosts, like yams, taro, these crops are alternate hosts for this insect. So if you go for a cultivation of these crops in the turmeric field, like for intercropping, you have to be extra cautious. Of course, there are some natural enemies, but they may not be very effective in controlling the pest. But we have some plant products, like we have found some plant products, that is Strychnox naxwomica. So these plant products can be used during storage to prevent the spread of this pest. So coming to the management of this pest, like we have to discard, like if they like while before storage itself, because this is a post-harvest pest, but this pest starts occurring in the field itself. So from the field, it is a carryover pest from the field. So if the rhizomes are infested, you have to discard the rhizomes, like a severely infested rhizomes, you have to discard before storage itself. And there is a recommendation by Tamil Nadu Agriculture University. What their recommendation is, like you can apply sheep or poultry manure at the rate of 10 tons per hectare at split doses twice, and followed by drenching with dimethyl. So this is a recommendation by the university. But and also like in our, we have a technology for control of this one, like from the at the time of harvest itself, before storage, you have to dig the rhizomes, seed rhizomes in quinine phos at the rate of 2 ml per liter for 15 minutes, and then you can go for a drying under shade before storing.
So you can also combine with other fungicides before storage, so that you can also prevent the other storage related diseases. And while storing, you can store the seed rhizomes with the dried leaves of Nuxvomica, Strychnos Nuxvomica, or Glycosmis pentaphylla, and sawdust, like in a ratio of 1:1 proportion. So that will also control further multiplication of this pest under storage conditions. So another pest is root grub. Of course, this is not this may not be a severe problem in Maharashtra, but this is a serious pest in other parts like Sikkim and Kerala. So here the grubs, I think many of the farmers might have seen this one. So these grubs will feed on the roots. Why grubs are there? Maharashtra, it is not why there. Why grub problem is there? Oh, this problem is there. Okay. So this these yes, grubs, it is there. Why grub is there? Okay. Yeah, so they feed on young rhizomes as well as the roots, and it causes yellowing and drying of the infested clumps. The typical symptom will be like the drying of the leaves, and also like when you pull the plants, it will very easily come out. So because it feeds on the roots, the plant will lose its hold in the earth, so it can be easily pulled out. So and of course these insects, they have a very long lengthy life cycle. They can live for many days, like especially the larval stage, they can live for like almost like up to 220 days. And they pupate in soil, and they also like many of you must be knowing, like they can feed, they have a lot of alternate hosts. These pests are also polyphagous pests, and of course some natural enemies have been recorded against this pest, like Metarhizium anisopilae. This must be available in the market. So coming to the management aspect of this pest, like we can collect and destroy the adult beetles during peak periods of emergence, like especially during April, May, that is the season for emergence of the adult beetle. So that time we can collect these insects, like we can use traps, we can like by all means we can collect the adults and we can kill them. And that is a manual destruction. And also like a biological control measure, like we can mix Metarhizium anisopilae in cow dung. Of course, these pests, they multiply in cow dung also. So you can apply, they mix the Metarhizium anisopilae in cow dung, and you can apply in places where this infestation is noticed. So as a final measure, if we are not getting any control measures, like we have to go for drenching of insecticide, especially chlorpyrifos is found to be very effective in controlling this pest. So coming to some minor pest, of course, leaf roller, Dr. Shelke mentioned in the beginning itself, of course, this is a very common pest wherever this turmeric or ginger is grown, this pest can be noticed. But of course, it doesn't cause very huge damage, but in the beginning of the crop, this will be a bit menace to the crop. So these are all like you can see, like the insects will be green in color, greenish larvae. They will roll the leaves and they will feed from inside. And the adults are butterflies, like you can see, like the brownish butterflies with brownish moth with yellowish tinge, it will be there. Sorry, with the white spots will be there. And this pest is more serious during August to September, like during post-monsoon season. And this pest can be very easily controlled with whatever pest control measures that you take against the shoot borer. Otherwise, this can also be controlled by spraying dimethoate or any other commonly used pesticide. And this next is a thrips. Turmeric thrips is also becoming a problem, especially especially during post-monsoon season. When the summer season starts, this during the dry season, this becomes a major problem. And the damage caused by this pest can be very easily observed by looking carefully on the leaves. Like the margins of the leaves will be rolled up, and you can see some kind of the leaves turning pale and drying up. So the insects are very minute insects. And as I said, like after the monsoon season only, these pests will start occurring.
And these pests can be very like they can be controlled by using any systemic insecticide, like this old generation insecticide like dimethyl. Of course, you have to go for a higher dose of this pest of this insecticide, like 3 ml per liter, or with the imidacloprid and neonicotinoid pesticide that can also be used to that will also be very effective in controlling this pest. And another pest is lace wing bug. And this is also a minor pest, but sometimes it becomes a major pest, as like just like thrips during post monsoon season. They are also the sucking pest, and they also cause almost a similar damage, just like thrips. Like they will suck the sap from the bottom and cause shriveling of the leaves, and also you can see a lot of skin cast on the bottom of the leaf. And also they secrete, like you can see, the pest can be very easily identified, but they are very minute pests. They have membranous wings, like you can see very pale wings, almost like a transparent wings. So this pest also can be, like these are all very seasonal pests only. They will not continuously occur. This pest can also be controlled by spraying any systemic insecticide like dimethyl or imidacloprid. So, and this pest, I am not very sure. This is a leaf beetle. Leaf beetle, which cause some kind of ladder-like scrappings on the leaves. So this happens especially during monsoon season. This pest will come, and they will scrap the leaves. They will cause damage on the leaves, like these kind of ladder-like scrappings on the leaves, and they make the leaves somewhat paler. And almost by the end of the monsoon, this pest will also disappear. Of course, it reduces the photosynthetic area of the leaves. So that is that way. In that way, it causes damage to the turmeric. And this pest can be controlled very easily by spraying quinolphos. So that quinolphos was found to be very effective in controlling this pest. And of course, yeah, these are some of the pests. Like turmeric, not many pests are there. So only these like very few pests are there, and of course the shoot borer is the major pest, and shoot borer and the scales are the major pest of turmeric. And as Dr. Biju said, these rhizome flies are all secondary pests, which usually comes on infected rhizomes, like only when there is a rhizome rot is there. Just due to the smell of this rot, the adults get attracted. They go and lay the eggs, and that's how they cause damage. So they are all secondary pests. Okay. So with this, I am concluding my talk. Thank you very much for listening. Okay. Kumar sir, ek question answer mein questions hai. Wo lete hai hum pehle. Maybe I'll ask Dr. Biju to first join. Okay. Yeah, and probably Dr. Biju can speak in Hindi for a pest also. I think he will answer for both, right? If anything is there, I will interview. Okay. Yeah, thank you. सर प्लीज क्वेश्चन आंसर्स में जो क्वेश्चन है वो लेंगे बिजू सर ठीक है सर मेरे टर्मेनिक प्लॉट में लीफ स्पॉट डाइजेस है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं मैंने कार्बिरो डॉप अमृतसर टॉप अमित स्टार डॉप का स्प्रे किया है फिर भी कंट्रोल नहीं है उसके बारे में सॉल्यूशन बताइए प्लीज ठीक है लीफ स्पॉट में मैंने पहले कहा था आप अगर प्रोटेक्शन करना चाहे प्रोटेक्शन देना चाहिए आपका क्रॉप को आप बोर्डो मिक्सचर स्प्रे कर सकते हैं लेकिन जो मैं जो कह रहा हूँ केमिकल नाम है तो आप कंपनी नाम तो अलग अलग होता है तो वैसे कंफ्यूज करने होने की मतलब जरूरत भी नहीं है एक काम कर सकता है अगर आपको प्रोटेक्शन आपको मालूम है अगर आपका प्लॉट में अगर डिसीज आने का संभावना बहुत ज्यादा है क्रॉप को प्रोटेक्शन करने के लिए आपको बोर्डो मिक्सचर वगैरह स्प्रे कर सकते हैं या मैंगो से स्प्रे कर सकते हैं अगर एक बार डिसीज शुरू हो गया तो एक बार पैथोजन पौधे के अंदर घुस गया तो उसको मैनेज करने के लिए आप इधर कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रे कर सकते हैं या प्रोपिकोनासोल ये जो
मैं जो बोल रहा हूँ वो केमिकल नेम है, केमिकल नेम आपको देखना पड़ेगा। तो कंपनी नाम जो भी हो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का भी अलग अलग नाम होगा, तो बायोसिन है जो नॉर्मल, तो नॉर्मल कंपनी नाम बायोसिन है। अगर प्रोपिकोनासोल लिया तो उसका कॉमन नेम टिल्ट जो होता है, फिर भी अलग अलग कंपनी का अलग अलग नाम जो होता है। लेकिन आपको क्या देखना पड़ेगा कि वो केमिकल है क्या नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है या प्रोपिकोनासोल है। अगर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड अगर ड्रेंच कर रहा है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड वगैरह, तो केमिकल नाम को आपको इंपॉर्टेंस देना चाहिए। हमें क्लियर? यस सर। ओके, थैंक यू। ओके शल्के सर, कंटिन्यू करो। यहाँ शल्के सर, शल्के सर तुम्ही म्यूट वर आहात। ओके शल्के सर का नेटवर्क कनेक्शन के वजह से वो डिस्कनेक्ट हुए हैं। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप रेज हैंड का एक ऑप्शन है वहाँ पे, वो क्लिक कर सकते हैं और सर से डायरेक्टली बात करके भी अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। रेज हैंड का ऑप्शन भी है और क्वेश्चन आंसर का भी ऑप्शन है, आप वहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं आपकी क्वेरीज। डॉक्टर शल्के रिकनेक्ट झालेले आहेत। शल्के सर, डॉक्टर शल्के, शल्के सर तुमचा आवाज येत नाही आहे। मे बी नेटवर्क इशू के वजह से उनकी आवाज हम तक आ नहीं रही है। बल्कि सर वीडियो बंद करके भी आप बोल सकते हैं। हाँ बोलिए। प्रश्न संपले हो, प्रश्न संपलेला आहे। एक प्रशांत जी है, उनको रेज हैंड उन्होंने किया है। प्रशांत जी आप बोल सकते हैं अनम्यूट करके। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, अपना जो मिट्टी है हल्दी के लिए काला मिट्टी है, ब्लैक कॉटन सॉइल, उसमें हल्दी का क्रॉप अच्छा हो सकता है क्या सर? मुझे लगता है कि मिट्टी का क्लास जो आने वाला है, तो इन जनरल आप कह सकते हैं कि उसका क्ले लोम हो सकता है, मिट्टी का टेक्सचर हम जो बोलते हैं, तो उसका वो पीएच 4.5 टू 7.5 तक वो टर्मरिक के लिए अच्छा है। तो मुझे लगता है कि ये क्रॉप प्रोडक्शन का वो कैसे आपको बेड बनाना, उसका मिट्टी का, उसके बारे में मुझे लगता है कि एक और दूसरा क्लास अरेंज कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो उसमें आपका वो पूरा मींस डाउट क्लियर हो जाएगा। और किसी को भी क्वेरीज होगी तो रेज हैंड ऑप्शन करके पूछ सकते हैं। ओके किसी का नहीं है। आई थिंक शल्के सर फिर डिस्कनेक्ट हुए हैं। एक मिनट हम उनका वेट करते हैं। नहीं ओके हुए कनेक्ट फिर से। शल्के सर ज्वाइन विथ ऑडियो करके ज्वाइन हो जाइए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। या वीडियो ऑन कर सकते हैं आप अपना। ओके तब तक मंगेश जी है, उनको हम चांस दे सकते हैं बोलने के लिए। मंगेश जी अनम्यूट करके बोलिए। मंगेश जी अनम्यूट करके बोलिए आप। हाँ
रहा था या सिल्क के सर बोलिए आप अभी सिल्क के सर मंगेश जी प्रश्न विचारत सर सर ते अनम्यूट नाही झाले त्यांचं आपण कंक्लूड करूया शेके सर प्रश्न संपलेले आहेत थोडा डिस्टर्बन्स वगैरे बीजू सर ने और संदीप कुमार साहब ने हमने सर आवाज सर आवाज बहुत कट हो रही है आपकी चलके सर हाँ अभी आ रही है हाँ आता है तो आता है बोला सर डिस्कनेक्ट हुए फिर मंगेश जी आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं तब तक हेलो हाँ बोला तो इस साल बारिश बहुत हुई तो हल्दी में फुटवे की संख्या कम हुई उससे उसकी वजह से तो अभी बारिश कम हुई तो अभी कुछ कर सकते हैं क्या फुटवे ज्यादा होने के लिए हल्दी के क्या क्या ज्यादा करना चाहिए आप फुटवे की संख्या 4-5-6 होनी चाहिए तो एक दो ही फुटवे आए बारिश बहुत हुई तो आप कुछ कर सकते हैं कि बारिश कम हुई अभी तो मुझे लगता है कि आपका वो क्लास जो होगा क्रॉप प्रोडक्शन के इसमें तो वहाँ आप पूछ सकते हैं तो आप फर्टिलाइजर वगैरह दे चुके हैं आप फर्टिलाइजर सब दे दिया दे चुके हैं कितने कितना डोज दिए हैं 150-150 का दिया हुआ है एनपीके का कितना एक बार वो बोने के टाइम पे दिया एक बार नहीं अभी 3 बार दिया है 2 बार भर में दिया है 1 बार बेसल में दिया था लिक्विड फर्टिलाइजर भी देते हैं अच्छा। हल्दी की हाइट कम से कम 3-3.5 फुट हो गई लेकिन फुटवे की संख्या कम है उसमें हर साल की वो शायद वो ज्यादा बारिश होने के वजह से थोड़ा सा फर्टिलाइजर वगैरह वॉश हो गए होंगे लेकिन क्वेश्चन जो आप रख सकते हैं अब दूसरे क्लास में जो है वो सर इस पे तो काम करता है तो ज्यादा जानकारी उससे मिलेंगे तो मिट्टी से मिट्टी के बारे में पहले एक क्वेश्चन पूछा था एक प्रश्न पूछा था और आपने जैसे अभी पूछा है तो वो जब वो क्लास सर क्लास लेंगे तब उनसे पूछिएगा ठीक है धन्यवाद धन्यवाद करीब 7 या 10 दिन के अंदर शायद होंगे मुझे लगता है तब पूछिएगा धन्यवाद थैंक यू मैडम आता येतो आहे माझा आवाज हो आता व्यवस्थित आहे सर व्हिडिओ पण दिसत आहे आपण कंक्लूड करूया ओके ओके तो सभी काश्तकारों को मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और क्वेश्चंस भी पूछे डॉक्टर बीजू सर जो प्लांट पैथोलॉजिस्ट है उन्होंने हल्दी फसल में जो रोग आते हैं उनके बारे में जानकारी दी है हमारे लिए भी कुछ जानकारी नई है उसमें होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट वेराइटीज उसके बाद सीड ट्रीटमेंट ड्रेंचिंग ये जो टेक्नोलॉजीज ISSR कोझिकोड़े की है ये टेक्नोलॉजीज हमें भी अच्छी लगी और हम काश्तकारों को इसका प्रसार करने की हर एक कोशिश करेंगे जो जानकारी उन्होंने दी है कि जैसे लीफ ब्लॉट है ये सॉइल बॉर्न इनोकुलम से आता है 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80% यदि होती है तो ऐसे इसमें आता है तो हम लोग भी इस टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को थोड़ा मॉनिटरिंग करेंगे और काश्तकार को उसकी जानकारी देते रहेंगे कि अब इस डिजीज आने की ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी है और मैं समझता हूँ कि सभी डिसीजेस के लिए राइजोम ट्रीटमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन्होंने जो राइजोम ट्रीटमेंट के लिए 30 मिनट तक उसको डुबोए रखने की सलाह दी है मैं समझता हूँ कि सभी काश्तकारों ने राइजोम ट्रीटमेंट जो है जिसको बीज प्रक्रिया कहते हैं हम लोग वो करने की जरूरत है और उसे 30 मिनट तक उसमें डुबो के रखेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा कारगर साबित हो सकती है
सेंथिल कुमार सर ने सर आपकी आवाज बहुत कट रही है सर, शेलके सर शेलके सर डिस्कनेक्ट हुए है शायद फिर से। एक मिनट हम सरके सर का वेट करेंगे। और किसी को भी बात करनी हो तो हाँ ओके कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। शायद यहाँ पर और किसी कारण थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो मैं फिर से एक बार बिजू सर और सेंथिल कुमार सर का धन्यवाद। हमारे हॉर्टिकल्चर के साइंटिस्ट है वो सब आपका जो प्रेजेंटेशन है इसको मराठी में करके हमारे जो काश्तकार हिंदी इंग्लिश नहीं समझ पाए होंगे उनके लिए मराठी में भी उसका ट्रांसलेशन करके नेक्स्ट इसमें उसका हम प्रसारण करने की कोशिश करेंगे। मैं फिर से एक बार किसान की पूरी टीम, हमारे मित्र निरंजन साहब, हमारे मित्र उदयन श्री प्रकाश कुलकर्णी सर और को धन्यवाद देता हूं और आज का यह कार्यक्रम यह संपन्न घोषित करता हूं। नेटवर्क की वजह से कुछ दिक्कतें आई उसके लिए क्षमा भी चाहता हूं और धन्यवाद। धन्यवाद बिजु सर, धन्यवाद कुमार सर, धन्यवाद शेलके सर, धन्यवाद मैम, धन्यवाद, थैंक यू। Thank you.